हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अकाउंट्स एप ज्ञान चैनल। आज के वीडियो में आप सीखेंगे हाउ टू प्रिपेयर ऑल वेंडर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट लेजर इन एसएपी। तो फ्रेंड्स, एसएपी से ऑल वेंडर लेजर एंड आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनाना बिल्कुल आसान है। बस आपको इतना करना है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए आखिरी तक देखें, और अगर आज का वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर जरूर करें, और अकाउंट्स एप ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको सारे ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए प्रैक्टिकली जो है सो वेंडर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हमें एसएपी लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के लिए स्टार्ट में जाएंगे, फिर एसएपी लॉगिन पे क्लिक करेंगे या इंटर करेंगे। ये देखिए लॉगिन ओपन हो रहे हैं। फिर कनेक्शन पे डबल क्लिक करना है या इंटर करना है, दोनों सेम काम करते हैं। डबल क्लिक करेंगे, आपको अपना एसएपी का यूजर आईडी देना है, फिर पासवर्ड देना है, फिर इंटर करना है। ये पहले जो है सो एक बार ओपन था, इसलिए कि ये मैसेज दे रहा है। इसको कंटिन्यू कर देना है या इंटर कर देना है। देखिए अब आपका जो है लॉगिन जो है सर्वर से कनेक्ट हो गया। अब आपके पास जो भी ऑथराइजेशन है वो सारे काम आप कर सकते हैं। तो हमारा जो है सो सबसे पहले क्या करना है, तो वेंडर आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट को डिस्प्ले करने के लिए जो है सबसे पहले हमें उसका ट्रांजेक्शन कोड डालने होंगे। तो वेंडर का जो ट्रांजेक्शन कोड है डिस्प्ले करने का, FBL1F, ये ट्रांजेक्शन कोड डाल दिया। अब इंटर करना है, इंटर कर। अब आपका स्क्रीन जो है सो डिस्प्ले हो गया। अब सबसे पहले आपको मैं नॉलेज दे दूं कि वेंडर का जो है सो लेजर कैसे देखते हैं, फिर हम आगे रिपोर्ट बनाना आपको सिखाएंगे, डाउनलोड करना सब कुछ सिखाएंगे। तो देखिए सबसे पहले वेंडर अकाउंट के लिए जो है यहाँ पे, या तो आपको अगर पता है कि जो हमारा वेंडर का जो है ये कोड है, हर कंपनी हर वेंडर के लिए एक अलग अलग कोड बनाती है, तो वो आप यहाँ डायरेक्ट डाल सकते हैं। एक अगर एक से अधिक है, मल्टीपल है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ क्लिक करेंगे और जितना भी है यहाँ से पेस्ट कर सकते हैं, या ये देखिए अपलोड फॉर्म क्लिक बोर्ड करेंगे और फिर यहाँ पे आप कॉपी पे एफ एड कर देंगे तो वो हो जाएगा। तो इस तरह से तो आप वेंडर कोड डाल सकते हैं। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं कि एक वेंडर का आपको डिस्प्ले करवा के दिखा रहे हैं। तो वेंडर कोड हमने डाल दिया एक, फिर आपको कंपनी का, हर कंपनी अपना एक कोड बनाती है अपने कंपनी का, तो वो कोड डालना है। तो यहाँ पे हमने कोड भी दे दिया। अब नेक्स्ट जो है देखिए, अब यहाँ पे ओपन आइटम, अब जो आपको वेंडर का जो पेंडिंग डिटेल निकालना है और आउटस्टैंडिंग डिटेल निकालना है, वो तीन तरह से निकाल सकते हैं। एक ओपन आइटम के थ्रू, ओपन आइटम के थ्रू वो डिटेल निकालते हैं जिसमें हमें वेंडर को टोटल कितना पेंडिंग है जो पे करना है कंपनी को, तो वो डिटेल केवल आपको पेंडिंग डिटेल निकालना है, पेंडिंग पेमेंट डिटेल का, तो वो आप ओपन आइटम के थ्रू निकालेंगे। फॉर एग्जांपल हमने ओपन आइटम सेलेक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे F8 की दबाएंगे या एग्जीक्यूट बटन दबाएंगे, दोनों सेम काम करते हैं। ये देखें अब इस वेंडर का 68,961 का पेंडिंग पेमेंट है जो कंपनी को पे करना है वेंडर को। तो ये ओपन आइटम के थ्रू देख लिया, केवल पेंडिंग डिटेल दिखा रहा है कि इनका इतने इनवॉइस है, जो तीन इनवॉइस है जिसका पेमेंट 68,000 पेंडिंग आ रहा है जो कंपनी को पे करना है। तो ये ओपन आइटम के थ्रू इसको देख लिया। अगर आज आपको इसको डाउनलोड करना है तो लिस्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, फिर स्प्रेड शीट में जाएंगे, फिर एक्सेल फॉर्मेट में करेंगे, फिर एक्सक्लूड करेंगे या इंटर करेंगे, दोनों सेम काम करते हैं। देखिए डेस्कटॉप पे आप अपने सुविधा अनुसार इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फिर सेव करेंगे, यस अलाउ अलाउ। ये देखिए एक्सेल फॉर्मेट में आपका ये डाउनलोड हो गया।
ये एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया, इस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक तो आपको ओपन आइटम के थ्रू दिखा दिया, अब इसी को बैक करते हैं। इसी तरह अगर आपको देखना है कि जो ट्रांजेक्शन हमारा क्लोज हो चुका है, क्लियर हो चुका है, उसको अगर आपको देखना है तो यहाँ पे आप क्लियर का भी आइटम देख सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टार्ट डेट देना है और इन डेट देना है, कब से कब तक का देखना है वो डेट देना है, फिर इसको आपको एग्जीक्यूट या एफ की दबाएं। देखिए ये डिस्प्ले हो गया कि इतना आपने क्लियर किया हुआ है अभी तक इस डेट के अंदर में। तो एग्जीक्यूट, ये आप क्लियर डाटा भी ऐसे देख सकते हैं। थर्ड नंबर ऑल आइटम, अब आप चाह रहे हैं कि इस वेंडर के से आज तक, शुरू से लेके और आज तक कितना टोटल ट्रांजेक्शन हुआ है और उसका कितना पेंडिंग पेमेंट है जो कंपनी को पे करना है। तो हमें अगर सिंगल का निकालना है तो हम इसको निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है या F8 की दबाना है, दोनों से हम काम करते हैं। ये देखिए आपका ये पूरा डिस्प्ले हो गया, ये देखिए। अब इसको आप चाहेंगे वैसे ही सेम प्रोसेस है डाउनलोड करने का, लिस्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड कर लेंगे। अब देखिए इसका 68,961 है जो इसको पे करना है कंपनी को। ये मैं आपको वेंडर का लेजर देखने का, डाउनलोड करने का ये नॉलेज दे दिया। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि हमें जो है अब सारे वेंडर का, किस वेंडर को कितना पेमेंट है कंपनी को करना है, टोटल कितना पेमेंट है, वो डिटेल निकालने के लिए हम कैसे निकालें। उसमें आपको क्या करना है, तो वेंडर कोड जो है वहाँ पे ब्लैंक रखना है। जो कंपनी के अंदर में जितने भी वेंडर हैं वो सारे डिटेल अपने आप, जब ये आप ब्लैंक करेंगे तो वो पिक कर लेगा, जितने भी कोड रहेंगे वो सारे पिक करके और डिस्प्ले करेगा। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ओपन आइटम, क्योंकि हमें तो केवल पेंडिंग डाटा लेना है, तो पेंडिंग में ओपन आइटम लेना है और यहाँ पे वेंडर कोड को ब्लैंक कर देना है और एग्जीक्यूट करना है या F8 की दबाएंगे, दोनों सेम काम करते हैं। बड़ा डाटा है इसलिए कि थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि पूरे कंपनी का है तो थोड़ा सा टाइम लेंगे, थोड़ा सा वेट करना होगा। देखिए लिस्ट जनरेट हो गया है और डाटा डिस्प्ले हो गया स्क्रीन पे। ये देखिए ये सारे आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले हो गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको जो है सो अमाउंट पे जो है सो इसको सॉर्टिंग कर लेते हैं या सब टोटल पे कर देते हैं। इस तरह से हमने सब टोटल पे कर दिया। तो अब हमारा ये डाटा पूरे के पूरे हो गए ठीक। अब इसको हमें क्या करना है, एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड करना है, जिससे हमें पता चलेगा किस वेंडर का क्या बैलेंस बच रहा है जो कंपनी को पे करना है। तो लिस्ट में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे, स्प्रेड शीट में जाएंगे। तो ये फिर आपको जो है कंटिन्यू करना है या इंटर करना है, थोड़ा सा वेट करना होगा। आप अपने सुविधा अनुसार इसको सेव कर सकते हैं, हम यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव करते हैं। सेव, ये पहले से इस नाम से फाइल है इसलिए कि मैसेज आया, यस कर देंगे। ऐसा वेट करना होगा, पूरे कंपनी का डाटा हमने डाउनलोड किया कर रहे हैं, अलाउ करेंगे, फिर अलाउ। अब देखिए ये आपका डाटा जो है सो एक्सेल फॉर्मेट में डाउनलोड हो गया। अब आप जैसे एक्सेल में करते हैं वो सारे काम यहाँ पे कर सकते हैं, जो भी मॉडिफिकेशन करना है, जो भी एडिशन करना है, वो सारे के सारे आप कर सकते हैं। तो अब हम इस एक्सेल फाइल से रिपोर्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, एक हमें इसमें जो है सो पिवट टेबल बनाना है, जिससे हमें पता चलेगा कि किसका क्या बैलेंस है, क्योंकि इसमें तो ऑल डाटा है। यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे,
पाइवट टेबल में जाएंगे, ओके। अब देखिए पाइवट टेबल के लिए क्या करते हैं, पहले वेंडर कोड ले लेते हैं, जो किस वेंडर का क्या डिटेल है। वेंडर कोड ले लिए, दूसरा हमें क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए लोकल करेंसी, जो किस वेंडर का क्या कोड है, ये देखिए। अब हमें क्या करना है, इस फाइल का नाम दे देते हैं ऑल वेंडर डिटेल्स, इसमें वेंडर का ऑल डिटेल है। अब इसका नाम दे देते हैं, पाइवट टेबल है, इसमें आप जो भी और भी डाटा लेना चाहें तो वो आप ले सकते हैं पाइवट। अब इस डाटा को क्या करते हैं, तो हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी सेपरेट अलग से बना देते हैं, इसको पेस्ट कर देते हैं। ये टोटल वाला है तो ये फील्ड हमें नहीं चाहिए, डिलीट कर दिए, इसको थोड़ा फाड़ देते हैं। यहां से टोटल कर देते हैं, सम कर दें, इक्वल टू सम एफ ब्रैकेट डॉट, इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, अब देखिए आपको इस तरह से टोटल डाटा हमें बन गया कि हर वेंडर का यहाँ पे कोड दिया हुआ है, इस वेंडर को इतना पेमेंट करना है या इनसे वेंडर को कंपनी को पे करना है, तो इस तरह से देखिए ये डाटा हमने बना लिया। अब आप अगर इसमें चाहते हैं कि जो हम नाम भी इसमें फिर डालें, तो आप वो अपना जो है हर वेंडर का जो है सो डिटेल बना के रखते हैं कि किस वेंडर का क्या कोड है और उसका क्या नाम है, तो इस पे आप जो है सो अपना भी लुकअप करके यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉलम ऐड कर सकते हैं जो आपको रिक्वायरमेंट है, तो वो आप कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया, तो सारे वेंडर का जो है सो पेंडिंग डिटेल बना के उसका रिपोर्ट सैप से डाउनलोड किए, डाउनलोड करके और उससे रिपोर्ट बनाया कि जो किस वेंडर को कितना हमें पे करना है, या वेंडर को कंपनी को पे करना है, या कंपनी वेंडर को और या कंपनी को वेंडर को पे करना है, वो सारे डिटेल हर कोड वाइज, हर वेंडर का कोड ये दिया हुआ है तो उसके अगेंस्ट में उससे कितना लेना है कि कितना देना है, वो सारे डाटा आप बना के और जो भी रिस्पॉन्सिबल डिपार्टमेंट है या जो भी उसका रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसको इस तरह से पूरा आप दे सकते हैं। और इसमें जो भी आपको और भी कुछ फील्ड ऐड करना है तो आप एज जैसे एक्सेल में आप यूज करते हैं वो ऐड या डिलीट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपने ये सीखा है कि हम सारे वेंडर का लेजर कैसे देखते हैं, ओपन आइटम के थ्रू, क्लियर आइटम के थ्रू, ऑल आइटम के थ्रू, और उस लेजर को कैसे हम और टोटल वेंडर का आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट कैसे डाउनलोड करते हैं एसएपी से, कैसे डिस्प्ले करते हैं, और उस डाउनलोडेड डाटा को कैसे हम रिपोर्ट बनाते हैं। उसमें हम दो तरह का रिपोर्ट बनाए, एक सीट में हमने ऑल वेंडर का सारे डाटा का डिटेल दिया है और दूसरे में हमने समरी दिया है कि किस वेंडर का कितना पेमेंट लेना है कि देना है। तो आज का वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नया वीडियो में नया टॉपिक के साथ में। थैंक यू।